अभी देखो लोग, एक बेस्ट जॉब तुम लोगों के लिए निकल के आई है। जो लोग 60% जो लोग का है, 7.5% का क्राइटेरिया, जो लोग मैच नहीं करते हैं, जो बहुत सारी कंपनी मांगती है ना कि 7.5 का क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो फॉर्म भर सकते हो वरना जाओ, ऐसा नहीं है। ये जो जॉब निकली है बेसिकली उस जॉब में तुम लोग देख सकते हो लोग कि जिनके 60% थ्रू आउट ग्रेजुएशन, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो अपने आप को टॉपर नहीं बोलते बट कोड कर सकते हैं, उनके लिए ये जॉब है। ये जॉब निकली हुई है 60 विलियर्स की तरफ से, और विलियर्स की तरफ से निकली हुई है डेट मीन्स डेट ना तुम लोग का सैलरी जो होगा ना वो 7.5 के आसपास होगा। और ये जॉब में तुम लोग को देख सकते हो हर कोई अप्लाई कर सकता है, जो बी है, बी टेक है, एम ई है, एम टेक है, बी सी ए है, एम सी ए है, बी एस सी है, एम एस सी है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिंदास ब्रांच भी इन लोगों ने खुल के डाला हुआ है, जो बी सी एस सी से है, ई सी एस से है, ई सी से है, आई टी से है, ट्रिपल ई से है, ई आई से है, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटल ब्रांच है। सी एस आई टी जो है वो कंप्यूटर ब्रांच है, जो मैथमेटिक्स से, स्टैटिक्स से है, सब फॉर्म भर सकते हैं। विलेयर्स जब का ये जो फॉर्म आता है ना तो बड़ा मज़ा आता है मुझे बेसिकली, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे क्राइटेरिया ही नहीं रखा है कि हम लोग सिर्फ सी एस आई टी को लेंगे, इन लोगों ने क्राइटेरिया रखा है जिसको आता है हम सबको लेंगे, बट तुम लोगों को आना चाहिए। ये जो परसेंटेज मांगा है इन लोगों ने वो मांगा है 60% का, और 10th 12th ग्रेजुएशन में 60% हो तुम लोगों का तो बहुत अच्छा है। पासिंग ईयर इन लोगों ने जो मांगा है ना वो 2022 2023 का है, मतलब कि 2022 में तुम लोग का पासिंग ईयर हो या 2023 में हो तो तुम लोग बिंदास फॉर्म भर लो इसका। और जो इन लोगों ने मांगा है वो क्या होना चाहिए, एक्सीलेंस कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, गुड ट्रबल शूटिंग एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, गुड जावा प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, जावा पाइथन तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए, और जो विलेयर्स का है ना तुम लोग जावा से करो लोग तो अच्छा है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस में जावा वाला रहता है। पाइथन से भी करोगे तो कोई बात नहीं है, मैं ऐसा ट्रिक मना नहीं कर रहा हूँ, करो लोग अच्छे से। एबिलिटी टू राइट स्क्रिप्ट बास फेयर्स एंड पाइथन, इन लोगों को आता हो ना मस्ट भरो लो फॉर्म। और अंडरस्टैंडिंग एंड सर्विंग ऑफ स्टोरेज मैसेज वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क एंड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज, ये सब आने चाहिए बेसिकली। ये सब लोग इंटरव्यू के टाइम में पूछेंगे लोग या नहीं पूछेंगे लोग, इन लोगों ने पूरा भर भर के लिखा हुआ है। तुम लोगों को कुछ भी आता हो ना तुम लोग फॉर्म भर लो, एटलीस्ट भर दो लोग फॉर्म। और लिनक्स विंडोज आना चाहिए, नॉलेज ऑफ लिनक्स एंड विंडो, आइडियली सर्वर, और एबिलिटी टू राइट एसक्यूएल क्वेरीज, माईएसक्यूएल, ओरेकल, ये सब इन लोगों ने एप्लीकेशंस का नाम दिया कि एसक्यूएल जितना चलता है माईएसक्यूएल पे, ओरेकल पे, साइबेस पे, सैप पे, ये सब पे आना चाहिए। और जो जॉब का फॉर्म है ना यहाँ पे इन लोगों ने चार ये निकाला हुआ है, जॉब रोल प्रेफरेंस निकाला हुआ है, और तुम लोगों ना ये प्रेफरेंस के अनुसार ना यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे सबका डेटा दिया हुआ है। क्या बोलते हैं कि जो ये है ना तुम लोगों को दिख रहा हुआ है, ये सबका डेटा दिया हुआ है, मतलब कि इन चारों का कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। लेकिन तुम लोग इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तुम लोग सोच रहे हो कि मोस्ट अपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही फोड़ने वाले हैं तो उसमें अप्लाई कर दो लोग। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी कर सकते हो लोग, आईटी सपोर्ट सेंटर स्पेशलिस्ट में भी कर सकते हो लोग, और साइट रिलेबिलिटी इंजीनियर, ये चार जॉब का इन लोगों ने दिया हुआ है, इसमें तुम लोग मस्त फॉर्म भर के कर सकते हो लोग। किसी एक के लिए ही भर सकते हो लोग, किसी दो के लिए भर सकते हो लोग, किसी तीन के लिए भर सकते हो लोग, किसी चार के लिए भर सकते हो लोग, मतलब सबके लिए तुम लोग भर सकते हो लोग। अगर चाहो तो एक के लिए भरना चाहो तो स्पेसिफिक भी भर सकते हो लोग। और यहाँ पे जो इनका फॉर्म है वो फॉर्म मस्त ना देख के भरने लो। ये लोग का एक चीज़ है कि ये लोग आधार कार्ड मांगते हैं लोग, डोमेसाइल मांगते हैं लोग, ये तुम लोग के पास है तो अच्छा है, वैसे आधार सबके पास रहता है, डोमेसाइल है तो डोमेसाइल भी डाल देना लो, और नहीं है तो जिस स्टेट में हो वैसे स्टेट का नाम डाल देना लो, और बाद में डोमेसाइल भी बनवा सकते हो तो बनवा लेना लो। और आर यू बेल्ट इन दैट टाउन, मतलब कि कौन से शहर में, उसका नाम डाल देना लो। वैसे मुझे भी पता है अगर विलेज में तुम लोग को लगा तो रिलोकेशन तो पक्का कर ही लोगे लोग, तो अप्लाई कर देना लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले हायरिंग और पोस्ट के साथ। और हाँ, इस जॉब का जो लिंक है ना वो जॉब का लिंक तुम लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, थोड़ा नीचे जाके देख लेना लो। तो मिलते हैं अगली हायरिंग के साथ, अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और थैंक यू एक बार और, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ये वीडियो शेयर करने वाले हो।